Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fifth lesson of history. Now we are moving towards the sixth lesson of civics, that is rural administration, rural grameen, gaon ka administration, prashasan. जैसे हमारे गवर्नमेंट शासन चलाती है प्रशासन, जहां हमारे पास जस्ट टू मेंटेन द सिस्टम एट पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी जगह पर व्यवस्था को बनाए रखना कि सब कुछ सही सलामत चले, सही तरीके से चले, उसके लिए सम ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड, कुछ हमारे अधिकारी नियुक्त होते हैं. जैसे जिले की बात करें डीसी है, उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो एसपी है, उसी प्रकार अगर हमारे यहाँ तहसील लेवल की बात करें तो हमारे पास जो पुलिस स्टेशन है उसमें एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर है. उसी प्रकार यहाँ हमारे पास तहसीलदार है लैंड रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए, उसके साथ एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है. जो बाकी हमारे यहाँ किस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए हम वहाँ तक अप्रोच कर सकते हैं, ये सारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसे बनी रहेगी. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण व्यवस्था कैसे बनी रहे, प्रशासन कैसे चले, उसके बारे में दे रखा है. अब इसमें देखो हमारे पास ये दे रखा कि भारत के अंदर लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव है. देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया, भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव है. इतने सारे गांव है तो देखो गांव की जरूरतें तो देखो शहर गांव हर जगह होते हैं. कुछ बेसिक जरूरतें हैं जैसे पीने के पानी की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट सुविधा हो, ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था हो यानी पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की बात करें, अगर गांव की बात करें तो खेती संबंधित इरिगेशन वगैरह की सुविधाएं भी हो, उसके साथ साथ एक अच्छे मार्केट तक अप्रोच भी हो, अच्छे रोड भी बने हुए हो. तो इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जहां पानी की वाटर जस्ट टू ड्रिंक एज वेल एज टू प्रोवाइड टू द फील्ड्स इन इरिगेशन, कि हमारे पास पीने के पानी की अच्छी सुविधा भी हो, इरिगेशन के लिए खेतों में पानी की अवेलेबिलिटी भी हो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा भी हो, घरों में भी लाइट की जरूरत हो, इसके बाद ट्यूबवेल्स वगैरह रन करने के लिए भी चाहिए, अच्छे रोड हो जो मार्केट तक जाने में सहायता प्रदान करके जो प्रोडक्शन होगा उसका बेचने के लिए भी, मार्केट से कुछ लेके आने के लिए भी. तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. पानी की निकासी जैसे मैंने बोला ड्रेनेज, बारिश वगैरह आती पानी भर जाए, नालियों से पानी कहाँ तक का बाहर कैसे निकाला जाए, तो ड्रेनेज वगैरह की जो व्यवस्था है, गांव की गलियां हैं वो किस प्रकार की, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की व्यवस्था, तो बहुत सारी जरूरतें होती है गांव की. इतनी सारी जरूरतें आसान काम नहीं, इट इज नॉट ए इजी टास्क टू कंप्लीट. इतनी सारी जरूरतें उसको पूरा करना आसान काम नहीं है. अब उसमें देखो हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं कि इसके साथ साथ गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास खुद के खेत भी होते हैं, उनका लैंड रिकॉर्ड रखना, किस व्यक्ति के पास घर की कितनी जमीन है, कितने खेत की जमीन है, जमीन है वो कहां से कहां तक है, उसका उसकी बाउंड्री टोटल कितनी कहां तक होगी, ये सारा लैंड रिकॉर्ड रखना. उसके साथ साथ इफ एनी कंफ्लिक्ट राइज, कई बार विवाद भी हो जाते हैं आपस में, झगड़े वगैरह भी होते हैं, उस विवाद को जस्ट रिजोल्व इट, उसको सुलझाना भी होता है. तो ये सारे हमारे पास गांव की व्यवस्था का एक छोटा सा हमारे पास एग्जाम्पल, किस प्रकार इन चीजों को चलाया जाएगा उसमें हमने एक एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट किया है. देयर इज अ क्यूआर लिंदा विलेज की गांव के अंदर झगड़ा, और गांव में झगड़े ज्यादातर जो हमारे यहाँ खेती की जमीन है, किसान वर्ग है, जो वर्कर से ज्यादातर गांव ग्रामीण परिवेश है, तो खेती संबंधित लोग जुड़े होते हैं. उससे संबंधित एक एग्जाम्पल दिया गया है मोहन और रघु का. अब मोहन और रघु दोनों ही फार्मर है, खेती का काम करते हैं. मोहन है और रघु, मोहन का जो खेत है, रघु का खेत उसके साथ लगता खेत है, इनके बीच में एक छोटी सी बाउंड्री जो बनाते हैं हम ज्यादातर, अगर कभी गांव में गए हो तो इसको मेड भी बोल देते हैं. तो क्या है कि और मिट्टी दोनों साइड से ऐसे इकट्ठी करके और बीच में इस प्रकार मिट्टी की ही केवल एक लाइन सी बनाई जाती है कि ये साइड एक का खेत है, दूसरी साइड मान लो मोहन का है, ये रघु का है. तो इस प्रकार केवल बंध जिसको बोला बांध या बंध बोलते हैं मिट्टी का, उसके द्वारा दोनों की बाउंड्री डिसाइड है, दोनों का साथ लगता खेत है. अब मोहन ने जब अपने खेत में गया तो देखा कि रघु ने इस बाउंड्री को थोड़ा सा और यहां तक आगे सरका दिया और अपनी लैंड एरिया को बढ़ा लिया गया, अपनी जमीन को यहां बढ़ा लिया, बल नहीं थोड़ा सा यहां तक कर दिया गया. अब जब मोहन उसके घर गया, उसने डिसाइड किया कि उससे बात करें, वहां जाने के बाद उसके उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होती है, रघु मना कर देता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसके बाद मोहन को पीटा जाता है, उसको चोट भी लगती है उसके हाथ पर सर के ऊपर. उसके बाद उसको सलाह दी जाती है कि ये सब कुछ हुआ इसके बारे में क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली सॉल्यूशन काम कि पुलिस के पास है, एफआईआर लिखा है, वो इन्वेस्टिगेट करे क्या सही है क्या गलत. देन आफ्टर इट वाज डिसाइडेड कि उसके बाद निर्णय लिया जाए कि हु इज गिल्टी, उसको पनिशमेंट दिया जाए और जो सही है उसको उसका अधिकार दिया जाए. तो वैसे इन्होंने किया तो इसके मोहन और रघु के बीच में झगड़ा हुआ. झगड़े का कारण था जमीन, जिसमें कि रघु ने उसकी कुछ जगह को आगे की तरफ थोड़ा सा
उस जो बांध था, जो बाउंड्री थी, उसको सरकार दिया था और उसकी वजह से उसका अपना लैंड एरिया उसने बढ़ा लिया। अब जब वो वहां अप्रोच करने गए पुलिस के पास कि चलो पुलिस तक जाते हैं, वहां जाके उसकी सही तरीके से जांच हो पाएगी, इसी दौरान जब वो जाते हैं तो एक व्यक्ति उनको सजेस्ट करता है कि आप पुलिस के पास तो जा रहे हैं, अल्टीमेटली डिसाइड हो गया पुलिस के पास, तो क्यों ना कुछ पैसा और खर्च कर लें और हम ये नजदीकी पुलिस स्टेशन को छोड़ के जो मेन पुलिस स्टेशन है जो शहर में है उसमें चले जाए। अब इसमें बात आती है पुलिस स्टेशन के एरिया की, तो ये हमारे पास पहला काम शुरू हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन के कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे हम। एक एग्जांपल हमारे पास है, अगर वो कन्फ्लिक्ट हो तो कैसे सॉल्व किया जाए उसका पुलिस के द्वारा। अब इसमें भी हर पुलिस स्टेशन का एक दायरा होता है जिसको हालांकि संविधान की भाषा में बोले या हमारी लीगल लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन जिसमें की दायरा न्याय या किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने का दायरा, तो हम कहां एफआईआर लिखा उसका भी एक दायरा होता है कि हमारे पास एक पुलिस नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां लिखा है। हालांकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं हम कहां लिखा है, ये बाउंडेशन इसलिए नहीं है कि आप यहां से चले जयपुर चले गए आपकी कोई चीज चोरी हो गया, आपको थोड़े पता है कि यहां लक्ष्मणगढ़ में होगी या सीकर में रास्ते हो गया रिंदस होगी, तो उस केस में आप क्या करते हैं एफआईआर आप जयपुर में भी लिखा सकते हैं, लेकिन वो एफआईआर रिलेवेंट पुलिस स्टेशन को जयपुर से भेज दी जाएगी जहां आप उसमें बोलोगे मैं यहां से चला था और इस प्रकार की घटना हुई, तो जहां पुलिस को लगता है सस्पेक्ट जहां भी रहे संदेह जहां भी रहे कि सस्पेंशन है कि हाँ यहां हो सकता है, तो उस पुलिस स्टेशन को एफआईआर फॉरवर्ड कर दी जाती है जहां घटना हुई हो। अब आप इसी प्रकार मान लो कि आपके आसपास कोई घटना, आप बस स्टैंड पर खड़े वहां मारपीट हो जाए, उसके बाद आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप वहां तो नहीं लिखा सकते एफआईआर, अगली जगह पहुंचने के बाद लिखा दे तो उस जगह के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए वापस एफआईआर कहां फॉरवर्ड हो जाएगी उस पुलिस स्टेशन को जहां घटना हुई है। हर पुलिस स्टेशन का एक दायरा होता है, इन्वेस्टिगेट तो अल्टीमेटली वही पुलिस स्टेशन करेगा जिस दायरे में आप आते हैं। तो जब उसको बोला गया कि आप कुछ पैसे और खर्च कर लेते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बोलता है ऐसा नहीं है हम नहीं जा सकते, हमें एफआईआर तो यही लिखानी होगी, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन की का एक एरिया है डिसाइड होता है कि यहाँ इन्वेस्टिगेट वो पुलिस स्टेशन करेगा, दूसरी जगह लिखाएंगे तो एफआईआर आएगी भाई। तो इस प्रकार ये डिसाइड इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हम एफआईआर लिखा सकते हैं, उसका रिलेवेंट एक पुलिस स्टेशन होता है जो हमारे से नजदीक होता है जहां हम एफआईआर करा सकते हैं। ये हमारे यहाँ पहला एक एग्जांपल है एडमिशन प्रशासन का, एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल इन द नेक्स्ट क्लास। ये हमारे यहाँ क्या देखा गाँव का प्रशासन कैसे चलता है, किस प्रकार के झगड़े हो सकते हैं, किस प्रकार उसको रिजोल्व करने के लिए हम कहाँ अप्रोच कर सकते हैं। पहला हमारे पास पुलिस स्टेशन जहां हम अप्रोच करते हैं विवाद को सुलझाने के लिए, और पुलिस स्टेशन किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार की कार्रवाई वहां होती है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।